डॉक्टर शेरी एंड आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में डाइव इन करेंगे जिस इज कवरिंग अबाउट योर हेयर केयर एंड हेयर ऑयल। तो आज सबसे बड़ा इशू जो हम फेस कर रहे हैं एंड हर एक पेशेंट आके मुझे बोल रहा है मैम हेल्प मी विद माय हेयर। नाउ बिफोर हम जाने कि हमें हेयर को कैसे बचाना है, सबसे पहली चीज हमें अपने अंदर ये देखना है व्हाट इज कॉज ऑफ हेयर। जब तक आप उसके कॉज पे नहीं जाओगे, ट्रस्ट में आप जितने भी एफर्ट्स डालो इट इज अ फेलियर। तो कॉज को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, वन इज जो आपके हाथ में है एंड वन इज जो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है आप जस्ट चेक कीजिए, आर यू डेफिशिएंट ऑफ एनीथिंग, क्या प्रोटीन की डेफिशिएंसी, क्या कैल्शियम की, क्या मैग्नीशियम की, क्या जिंक की, क्या बायोटिन की, इज देयर एनी डेफिशिएंसी, चेक इट आउट। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज, इज देयर एनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज स्ट्रेस इज द मेजर कॉज ऑफ हेयर फॉल। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आर यू ऑन एनी मेडिकेशन। फोर्थ, इज देयर एनी हार्मोनल इंबैलेंस गोइंग इन योर बॉडी। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है दैट हैज टू बी चेक इमीडिएटली एंड करेक्ट। अभी ये तो सब हो गया कॉजेस, अब हम देखेंगे हमें अपने हेयर केयर को कैसे वे देना है। यू नो आजकल बहुत सारे फैक्ट्स हैं इंटरनेट पे, पीपल टेल डोंट अप्लाई ऑयल, नंबर वन। सेकेंड, यू हैव लॉट ऑफ फैंसी ऑयल्स अवेलेबल इन द मार्केट, नंबर टू। राइट, नंबर थ्री, हम जस्ट ऑयल लगाते हैं कभी कभार, राइट, एंड हम सीधा शैम्पूज लगाते हैं, एक्सपेंसिव महंगे महंगे शैम्पू खरीदते हैं, नंबर थ्री। आज हम तीन बातों पे बात करेंगे, फाइन। तो नंबर वन, ऑयलिंग, शुड यू ऑयल और यू शुड नॉट ऑयल। तो आजकल आई एम वेरी सॉरी टू से, आउट ऑफ 100 95% पीपल डोंट ऑयल देयर हेयर। लोग सीधा शैम्पू करते हैं, क्या करते हैं पता है, महंगे महंगे शैम्पू खरीदते, दे गो टू द सुपर मार्केट्स, बाय मोस्ट एक्सपेंसिव शैम्पूज। स्टॉप डूइंग दैट। शैम्पू इज ओनली अ डिटर्जेंट, नथिंग एल्स, एक याद रखना। सेकेंड, शैम्पू जितना महंगा होगा नॉट नेसेसरी वो आपको उतना हेयर केयर करेगा, वो ओनली डिटर्जेंट है, वो जस्ट आपके बालों के अंदर से गंध निकालने वाला है। आप उसके अंदर हजारों लाखों रुपए डालोगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। इंस्टेड इन्वेस्ट ऑन अ गुड ऑयल फॉर योर हेयर। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बालों को आपको नरिश करना है, आपके बालों को मॉइस्चर करना है। यू हैव टू मॉइस्चर योर हेयर, यू हैव टू नरिश योर हेयर। हाउ डू यू मॉइस्चर योर हेयर एंड हाउ डू यू नरिश योर हेयर? सिंपल टेक्निक जो हमारे दादा दादी काका काकी सब करते आ रहे हैं सालों सालों से, बट ऑयलिंग योर स्कैल्प। यू हैव टू स्टार्ट ऑयलिंग योर स्कैल्प एवरी टाइम बिफोर यू वॉश योर हेयर। मतलब जब जब आप शैम्पू लगा रहे हो, शैम्पू लगाने के पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी, आज से आप लिख लीजिए मैं ऑयल किए बिना मेरे बालों को शैम्पू नहीं लगाऊंगा। क्योंकि आप जब शैम्पू करते हो ना डायरेक्टली विदाउट ऑयलिंग, आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प को डैमेज करते हो, बिकॉज अगेन शैम्पू इज जस्ट अ डिटर्जेंट। नंबर टू, जब भी आप ऑयलिंग लगाइए, ऑयलिंग लगाते टाइम आप अपने बालों को मसाज कीजिए। जस्ट मसाज फॉर 10-15 मिनट्स हल्के हाथों से, जस्ट मसाज होने, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। नंबर थ्री, अगर आप मसाज कर नहीं सकते हो, एक अच्छी सी पतली सी कोम लीजिए, जो जेंट्स यूज करते हैं वो वाली कोम, कोम इट 100 टाइम्स इन वन इन अ डे, यू विल हैव मिरेकल्स रिजल्ट्स। सो आज से टिप नंबर वन जो मैं वीडियो में बता दूँ, Stop shampooing if you're not using oil. Always moisture your hair first and then you should comb your hair. And trust me, आप इतना भी regime follow कर लोगे ना, आपका hair thinning वहीं से stop हो जाएगा। Next video में मैं आपको ऐसे better tips दूंगी कि आपको कौन सा oil अपने बालों के लिए use करना है। And I hope this video is very useful. बस आज से आप oiling शुरू कर दीजिए। Warm oil करोगे तो best है। Most important, no scent. Thank you and be connected. I'll come with more interesting videos on hair fall and hair care. And trust me, I've been applying to me since so many years, to my patients, to my family around, and they have excellent results. Thank you so much.